कक्षा 10 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कर्णभा स्वामीनारायण गुरुकुल से मैं सतीश पंडित आपके समक्ष पाठ्यक्रम 14 मेरी माँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यह एक आत्मकथा अंश है जिसके लेखक है प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। विद्यार्थियों, रामप्रसाद बिस्मिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं। हमारी देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी जो भी हमारे देश के रहे हैं उनमें रामप्रसाद बिस्मिल का नाम प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्दों में ही मैं लेता हूँ। यानी मेरे श्रेष्ठ क्रांतिकारी जो भी है उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल एक रहे हैं। विद्यार्थियों, रामप्रसाद बिस्मिल बचपन में हिंदी और उर्दू पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे और उन्हें उनके पिताजी बार बार मारते थे, डांटते थे, फटकारते थे और उनके पिताजी के कारण वे और डर जाते थे। लेकिन फिर भी रामप्रसाद बिस्मिल बड़े शरारती किस्म के लड़के थे। वे बहुत ही मस्ती खोर शरारती रहे और उन्हें बार बार अपनी पिताजी की तरफ से अर्थात अपने पिताजी की तरफ से मार ही खानी पड़ती थी। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में हम कहें, कुछ बात करें तो रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहानपुर जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है वहाँ एक साधारण परिवार में ही हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह अर्थात दादाजी रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर मध्य प्रदेश आकर के वहाँ एक गांव में आकर के बस गए थे। पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कचहरी में सरकारी स्टंप बेचकर परिवार का पालन किया करते थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में और शिक्षा में उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उर्दू मिडल की परीक्षा में वे दो बार असफल हो गए थे पर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई उन्होंने बाद में की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी अर्थात उन्होंने बांग्ला भाषा जो है वह बाद में सीखी थी। प्रारंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से वह जुड़े रहे और बाद में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में वो सक्रिय हो गए थे। काकोरी रेल दुर्घटना के बारे में विद्यार्थियों आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में काकोरी रेल स्टेशन में भारतीय क्रांतिकारियों ने रेल को लूट लिया था क्योंकि क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के लिए पैसों की आवश्यकता थी और इन पैसों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक रेल लूट ली थी। और उसके बाद जो क्रांतिकारी पकड़े गए उनमें से कुछ पुलिस की शक्ति को सहन न कर सके और वह नाम बताने लग गए कि किन क्रांतिकारियों ने यह काकोरी रेल दुर्घटना को अंजाम दिया है। उसमें हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का नाम भी शामिल था। रामप्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर दिया गया, बाद में उनके अदालत में केस चला और अंततः उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, अंततः वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के दो दिन पहले जेल से ही किसी प्रकार से उन्होंने बाहर भिजवा दी थी जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे हुए हैं। उनमें यह मेरी माँ जो रचना इकाई दी गई है उसकी यहाँ पे बात की गई है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, देखो माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के योगदान के बारे में नतमस्तक हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक उनके ऋण से उऋण होने की कोई भी संभावना नहीं देखते हैं। तो आइए आरंभ करता हूँ मैं पाठ्यक्रम 14 मेरी माँ। विद्यार्थियों, पाठ वाचन के साथ पाठ की समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी, यानी वह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, वहाँ जाने की उनकी इच्छा थी। वहाँ एक बहुत बड़ी
सभा का आयोजन किया गया था। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, दादाजी नहीं बल्कि दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। यानी रामप्रसाद बिस्मिल कहते कि मेरे जीवन में माँ का बड़ा उम्दा स्थान रहा, मेरी माँ करुणा की मूर्ति रही। उसी समय शाहजहानपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, यानी इस प्रकार कांग्रेस की सभाओं में जाना, क्रांतिकारियों के आंदोलन की सभाओं में जाना, उसके आयोजन में जाना, यह रामप्रसाद बिस्मिल के पिताजी और दादी जी को अच्छा नहीं लगता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी से हमेशा उत्साह बढ़ा रहता था। वह मेरे उत्साह को भंग नहीं होने देते थे, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार हमेशा सहन करनी पड़ती थी। माँ को भी सहन करनी पड़ती थी डांट फटकार और पिताजी को भी, लेकिन माँ हमेशा, रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरे आयोजन को हमेशा सफल होने दिया करती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी है, यानी अपनी माँ के बारे में उम्दा बात की गई है कि देवी के समान वह है। मुझसे जो कुछ जीवन में साहस उत्पन्न हुआ वह मेरी माताजी और गुरु श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। आर्य समाज की तरफ रामप्रसाद बिस्मिल हमेशा अग्रसर रहे और वहाँ उनके गुरु रहे श्री सोमदेव जी, तो गुरु श्री सोमदेव जी के प्रताप के कारण उनके जीवन में काफ़ी गुण विकसित हुए, ऐसा वे कह रहे हैं। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध कर रहे थे कि अब रामप्रसाद बिस्मिल के गले में घंटी बांध देनी चाहिए, अर्थात रामप्रसाद की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन माताजी यह कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, अभी तो हमारा लड़का राम पढ़ रहा है, उसे आगे की पढ़ाई करने देनी चाहिए, अभी शादी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार माँ के कारण ही मेरी शादी रुक गई, वरना मेरी शादी हो जाती तो मैं देश के लिए अपना योगदान भी नहीं दे पाता, ऐसा रामप्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को अधूरा न रहने दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल अपने गुरु देव श्री सोमदेव जी और अपनी माता के बारे में खूब बात कर रहे हैं और अपने जीवन में अपनी माता का योगदान को यहाँ बता रहे हैं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कहकर चले गए थे कि मेरा पूरा काम मेरे बेटे अर्थात रामप्रसाद से करवा देना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालत नामे पर कर दे, यानी पिताजी के, रामप्रसाद को कहा गया कि तुम्हारे पिताजी भी हाजिर नहीं है, उन्होंने दीवानी मुकदमा किया है, उनकी दस्तखत तुम, उनका हस्ताक्षर तुम उनके नाम से कर दो, यह तो धर्म के विरुद्ध में है। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, न मैंने हस्ताक्षर किया, इस प्रकार मुकदमे के खारिज होने की संभावना बन गई, किंतु मैं नहीं माना, गलत कार्य में नहीं करना चाहता था, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए बात हमेशा सत्य ही करता था। तो यहाँ पे देखिए रामप्रसाद बिस्मिल का आचरण, सत्य का पालन करना रामप्रसाद बिस्मिल का मुख्य उद्देश्य रहा है कि वह कभी झूठ बोलना नहीं चाहते थे।
अब तीसरे पैराग्राफ में राम प्रसाद बिस्मिल की माँ के बारे में बात की गई है कि उसकी जब शादी हुई थी अर्थात मेरी माता जी की जब शादी हुई तो वह काफ़ी छोटी थी, सिर्फ 11 वर्ष की उम्र थी। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह करके शाहजहानपुर आई थी, उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समानी थी, बिल्कुल अशिक्षित, अनपढ़, निरक्षर थी, पढ़ी हुई नहीं थी। शाहजहानपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। किसके शिक्षा दी? गृह कार्य जो घर में करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, सब्जी रोटी बनानी होती है, आदि आदि जो भी कार्य होता है। 11 वर्ष की उम्र में कहाँ उसे आने वाला था। तो दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया था। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को सीख लिया, समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। इतनी छोटी लड़की 11 वर्ष की उम्र की, 12-13 वर्ष की उम्र तक सब कुछ सीख गई थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। देखिए यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ, उसके 5-7 वर्ष बाद माने राम प्रसाद बिस्मिल की माने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही उत्पन्न हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्सर बोध करती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष के बाद राम प्रसाद बिस्मिल की माँ हिंदी पढ़ना आरंभ कर चुकी थी और उनकी सहेलियों में से ही जो शिक्षित सहेलियाँ थी उनके पास से वह पढ़ा करती थी। इस प्रकार घर का सब काम काज कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लग गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की जिसकी शादी 11 वर्ष की उम्र में हो जाती है और वह बाद में घर का कार्य सीखती है, यही नहीं राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद हिंदी पढ़ना लिखना अर्थात देवनागरी लिपि, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, उसे पढ़ना आरंभ करती है, वो भी अन्य सखी सहेलियों के द्वारा जो पढ़ी लिखी होती है, और बाद में खूब अच्छा अध्ययन करती है। और यही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल को बचपन में हिंदी पढ़ाने का कार्य भी वह करती है। तो इस प्रकार का कार्य मेरी माँ पाठ में इकाई में दिया गया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले दूसरे वीडियो में विद्यार्थियों मैं इस पाठ को आगे बढ़ाऊंगा और राम प्रसाद बिस्मिल के माँ के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।